हर योजना लोगों को लाभ पहुंचाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए चलाई है। देश को आज इन 10 वर्षों के अंदर मजबूती से विकास की गति के ऊपर बढ़ाने का काम किया है। कांग्रेस लगातार झूठ बोल करके मोदी के उन कार्यों को दबाना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कांग्रेस के इस झूठ को अब बिकने नहीं देगा। मजबूती से खड़ा होकर के उनके उस झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो लोग बोलते थे, जिन्होंने फार्म भी भरे हैं, इस प्रकार के फार्म भरे हैं कि आपके हर महीने 8500 रुपये आएंगे, दें ना कांग्रेस के लोग, कहाँ से देंगे, दें वो कहाँ से देंगे। अरे लोगों के बीच में झूठ बोल करके इस प्रकार का भ्रम फैला देना और ये बात कह देना मंच के ऊपर खड़ा होकर के, संविधान की बुक लेकर के, कि आरक्षण खत्म हो जाएगा, कि संविधान खत्म हो जाएगा। अरे इस संविधान को ना कभी किसी ने खत्म किया है, ना कि ये खत्म होगा। संविधान के अनुरूप देश नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में चल रहा है। कांग्रेस के समय के अंदर तो ये देश उस संविधान को भी अपमान करने का काम इन लोगों ने किया है। और आज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कांग्रेस के जो लोग हैं ये झूठ की नींव के ऊपर खड़े हुए हैं, जल्दी ही इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा, ये कहीं दिखाई नहीं देंगे। आज हर समस्या का समाधान हमारी सरकार कर रही है और लोगों के लाभ पहुंचाने का काम नरेंद्र मोदी की सरकार ने, इन 10 वर्षों के अंदर डबल इंजन की सरकार ने काम किया है। कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं, नौकरियों की बात करते हैं। मैं बार बार इस बात को लेकर के बोलता हूँ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा इस बात को बताए कि मेरी 10 वर्ष तक सरकार रही है, कितने युवाओं को रोजगार दिया है, किस आधार के ऊपर दिया है। कांग्रेस के नेता भी मंचों के ऊपर बताएं, परंतु हमारी सरकार ने बिना पर्ची बिना खर्ची के युवाओं को रोजगार देकर के उनको सम्मान दे। की बातें करते हैं, कांग्रेस बौखला चुकी है, कांग्रेस के पास कहने के लिए कुछ नहीं है, कांग्रेस के पास सिर्फ झूठ फैलाने के लिए है और कुछ नहीं है। इस बात को हमारा कार्यकर्ता मजबूती से इनका पर्दाफाश दलित समाज के अंदर भी जाकर के, ऐसी समाज के अंदर भी जाकर के इनके के झूठ का पर्दाफाश करने का काम करेगा। जो मोदी जी ने काम करे हैं उसका बताने का काम करेगा। देखिए, बड़े मैंडेट के साथ तीसरी बार भारतीय जनता पार्टी सरकार बना रही है, बहुत बड़े मैंडेट के साथ, और कांग्रेस कहीं दिखाई नहीं देगी। कांग्रेस के जो पाप हैं, कांग्रेस की जो भ्रष्टाचारी नीतियां हैं, लोग उनको जानते हैं। कांग्रेस के समय के अंदर एक गैस का सिलेंडर 3 दिन में मिलता था, लाइन में खड़ा रहना पड़ता था, बिजली नहीं आती थी, इस प्रकार की स्थिति थी। परंतु आज 24 घंटे भी बिजली देने का काम हमारी सरकार कर रही है, बहुत सारी ऐसी लगातार योजनाएं। आज गरीब लोगों को जो गलतियां कांग्रेस ने की थी, कांग्रेस ने खाली गरीब लोगों को एक प्लाट दे दिया कि ये प्लाट है, ना कोई रजिस्ट्री दी, ना कोई इनकी कब्जा दिया, ना कोई पोजीशन आई उसकी, लोगों को उनके हालात के ऊपर छोड़ दिया। परंतु हमने आकर के उसका कब्जा भी देने का काम किया, उसकी रजिस्ट्री भी देने की काम की है, और हमने कहा है कि अगर किसी गांव के अंदर पंचायत की भूमि नहीं है, उन लोगों को 1-1 लाख रुपया दे करके वो अपना प्लाट ले सके, उसकी व्यवस्था भी। देखिए, वो झूठ बोलते हैं, वो सारा का सारा घमंडिया गठबंधन के लोग झूठ फैलाने का काम करते हैं। पिछली बार भी वो कोर्ट के अंदर गए थे, कोर्ट के अंदर उन्होंने अपने मुंह की खानी पड़ी, और अब भी कभी तो वो बोलते हैं कि भाई हमें आप पानी दे दें, हम जितना पानी कोर्ट ने हमें कहा था, जितना हमारा एग्रीमेंट के अंदर हुआ था, उससे सोया पानी देने का काम दिल्ली को कर रहे हैं। परंतु दिल्ली के जो नेता हैं, अपनी सस्ती राजनीति चमकाने के लिए लोगों को गुमराह कर रहे हैं। उन्होंने कोई भी ऐसा कदम 10 वर्षों के अंदर नहीं उठाया जिससे इस समस्या से हम निपट सकें। उनके ना तो वहाँ पर जो पानी इकट्ठा करने का उनकी सफाई है, ना डिस्ट्रीब्यूशन का ठीक है, वो तो खाली वाह वाही लूटने का काम करते हैं, परंतु उनकी व्यवस्था के लिए कोई काम नहीं उन्होंने किया है, ना कोई काम किया है। वो उनकी व्यवस्था के लिए काम करें, लोगों को दिखाएं कि जितना पानी हमारे पास भी जितना पानी है उसी के अंदर काम चला रहे हैं, वो भी उसी पानी के अंदर, इतना पानी पर्याप्त दिल्ली को दिया जा रहा है, परंतु उनका डिस्ट्रीब्यूशन का सिस्टम ठीक नहीं है, वो अपने सिस्टम को ठीक करें।